हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये स्टार्मी की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैक्सिम में नॉन पैड के साथ ऑफिस के लिए निकल रहा होता है, तभी आना फ्रेंड को लेकर घर पहुंच जाती है। फ्रेंड पैड को देखकर तुरंत हग कर लेता है। ये देखकर नॉन को समझ नहीं आता ये मेरी वाइफ को हग क्यों कर रहा है। आना फ्रेंड को उसके रूम में ले जा रही होती है। फ्रेंड बोलता है मुझे मेरी वाइफ पैड ही लेकर जाएगी। पैड उसे अंदर ले जाती है। ये देखकर नॉन का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। आना डैड और नॉन को बताती है डॉक्टर नॉन ने कहा है फ्रेंड की घर रहकर मेमोरीज जल्दी वापस आ जाएंगी। नॉन गुस्से से बोलता है वापस तो आ ही जाएंगी, मेरी वाइफ उसका ध्यान जो रखेगी। रूम में पैड फ्रेंड को स्ट्रॉबेरीज दिखाकर उसे अपने साथ बिताए हुए पलों को याद कराने की कोशिश कर रही होती है। पर फ्रेंड को तो कुछ याद नहीं आता क्योंकि वो तो नॉन है ही नहीं। तभी नॉन आकर बोलता है अच्छा लग रहा है, एक बार फिर से मेरे भाई भाभी एक हो गए, अब मुझे किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं बनना पड़ेगा। नॉन पैट को बोलता है ऑफिस चलो। पैट बोलती है आज मुझे लीव चाहिए, मुझे डॉक्टर नॉन का ध्यान रखना है। नॉन बोलता है काम के पहले ही दिन छुट्टी मांग रही हो। पैट बोलती है डॉक्टर नॉन मेरे साथ कितनी अच्छे से बात कर रहे हैं, हो सकता है इन्हें सब कुछ याद आ जाए। तभी फ्रेंड बोलता है मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आना ने कहा है, मुझे आना के अलावा और कुछ भी याद नहीं है। ये सुनकर नॉन बोलता है देख लिया तुम्हें इसे कुछ याद नहीं है, और उसे खींच कर रूम से बाहर लेकर आता है। नॉन उसे बोलता तुम उसके साथ एक रूम में नहीं सोगी। पैट बोलती मैं तो सोऊंगी। नॉन बोलता छोड़ो मैं ही अपने भाई के साथ खुद सो जाऊंगा, वैसे भी तुमसे ज्यादा प्यार मैं उसे करता हूँ। पैट बोलती क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, हस्बैंड वाइफ एक रूम में नहीं सो सकते क्या। नॉन बोलता अब लड़ो मत जल्दी से ऑफिस चलो। ऑफिस पहुँच कर पैट के सामने फाइल्स का ढेर रख दिया जाता है ताकि वो सारे बिल्स को चेक कर सबूत इकट्ठा कर सके थाना के अगेंस्ट। पैट बोलती है मैं जानती हूँ थाना ने ये सब किया है, तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। नॉन बोलता है बोर्ड मेंबर बिना सबूत के इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। पैट अपने काम में लग जाती है। थाना मेडिकल इक्विपमेंट डिपार्टमेंट को संभाल रहा होता है। वो देखता है टीवी पर उसकी एडवर्टाइजमेंट क्लिप हटा दी गई है और फ्रेंड वाली वीडियो क्लिप चलाई जा रही है। ये देखकर थाना भड़का हुआ नॉन के केबिन में आता है और बोलता है आगे से अगर मेरे डिपार्टमेंट में कोई भी चेंजेस करने हो तो पहले मुझसे परमिशन जरूर ले लेना। नॉन बोलता है शायद तुम भूल गए हो, तुम बस GLS का एक डिपार्टमेंट संभाल रहे हो, ये पूरी कंपनी मेरी है, इसे मैं चलाता हूँ, और नेक्स्ट टाइम बिना अपॉइंटमेंट के मेरी केबिन में आ मत जाना, नहीं तो तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। थाना एम्बेरस होकर जाने लगता है। तभी वो पैट को उसी केबिन में बैठा हुआ देखता है और ये देखकर वो शॉक में चला जाता है। पैट बताती है आज ही मैंने असिस्टेंट की जॉब ज्वाइन की है, मेरा काम है सबूत इकट्ठे करना उस चीटर के अगेंस्ट, अगर तुम्हारे पास कुछ एविडेंस हो तो मुझे दे देना, मेरी हेल्प हो जाएगी। ये सुनकर थाना का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। नॉन पैट के स्टाइल को देखकर स्माइल कर रहा होता है। ब्रेक टाइम में पैट थाना से माफी मांगती है, मुझे नहीं पता था अब नॉन और तुम्हारा कोई रिलेशनशिप नहीं है, फिर भी मैंने ओवर रिएक्ट किया। थाना बोलती है कोई बात नहीं। नॉन भी वहाँ जाता है। पैट उन दोनों को बोलती है तुम दोनों जब भी नॉन के सामने जाओ तो ये वेडिंग रिंग उतार कर रख लेना क्योंकि नॉन को अच्छा नहीं लगेगा, हो सकता है उसे बुरा फील हो। ये कहकर पैट वहाँ से चली जाती है। आना नॉन को बोलती है लगता है इसे तुमसे प्यार हो गया है। नॉन कोई जवाब नहीं देता तो आना उसे टेरिस पर ले जाकर बोलती है मैं GLS कंपनी से रिजाइन कर तुम्हारे साथ विलेज चलने को तैयार हूँ। नॉन ये सुनकर शॉक हो जाता है तुम ये क्या कह रही हो। आना बोलती है तुमने कहा था ना मैं सिटी में रहती हूँ और तुम विलेज में, इसलिए हम साथ नहीं रह सकते, मैंने अपनी मोम से बात कर ली है, वो भी हमारे साथ विलेज में रहने को तैयार है। नॉन को समझ नहीं आता वो क्या जवाब दे। आना पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, बताओ मुझे। नॉन बोलता आई एम सॉरी। ये सुनते ही आना समझ जाती है अब नॉन के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है और रोने लग जाती है। घर पर मिस्टर सदावत प्रैन को उसकी मेमोरीज याद दिलाने की कोशिश में लगे हुए होते हैं। अभी मेड आकर उन्हें बताती है सिद्धोन आपसे मिलने आया है। मिस्टर शरावत उससे मिलने बाहर आते हैं। सिद्धोन अपना सारा गुस्सा मिस्टर शरावत पर निकाल देता है, मैं आपसे आपकी कंपनी छीन कर रहूंगा चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तभी प्रैन वहाँ आ जाता है, उसे देखकर सिद्धोन बोलता है तो ओ नॉन तुम ठीक हो गए हो, चलो तुम्हें दोबारा हॉस्पिटल पहुँचा दूँ। सिद्धोन उसे मारने लगता है, डैड उसे रोक रहे होते हैं। उसी दौरान डैड अचानक से बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। प्रैन को उन्हें ऐसे देखकर फ्लैशबैक आने लग जाते हैं और डरकर एक कोने में बैठ जाता है। सिद्धोन को कोई अफसोस नहीं हो रहा होता। नेक्स्ट सीन में पैट काम करते हुए सो रही होती है, तभी उसे नॉन का कॉल आता है और बोलता है काम पर ध्यान दो। पैट बोलती है इतनी फ्री बैठे हो जो एक ही केबिन में बैठकर भी कॉल कर रहे हो, इससे अच्छा मेरे लिए वाटरमेलन ले आओ। नॉन पूछता है खाओगी क्या, पैट बोलती है नहीं तुम्हारे सर पर देकर मारूंगी, और ये कहकर कॉल कट कर केबिन से जाने लगती है। नॉन पूछता है कहाँ जा रही हो, पैट बताती है वॉशरूम जा रही हूँ, वहाँ भी चलोगी क्या। नॉन चुप हो जाता है। पैट वॉशरूम की तरफ आ रही होती है, तभी थाना उसे वॉशरूम में ही खींच लेता है और उसे धमकी देता है।
अगर कल तक तुम GLS को छोड़कर नहीं गई, तो तुम्हारे हस्बैंड नोन या फिर तुम्हें कुछ भी हो सकता है। बाद में मुझे रिस्पॉन्सिबल मत ठहराना। एक एकर थाना जाने लगता है। पैट उसके पीछे आकर बोलती है, खोखली धमकियां मत दो, मुझे डर नहीं लगता। दूसरी ओर आना को मेड का कॉल आता है, जिसके बाद आना नोन को आकर बताती है मिस्टर शराफत हॉस्पिटल में एडमिट है। दोनों जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ जा रहे होते हैं, तभी उन्हें पैट और थाना एक साथ दिख जाते हैं। आना पैट को बताते हैं मिस्टर शराफत हॉस्पिटल में एडमिट है और तुम्हारे हस्बैंड नोन की हालत खराब है, इसलिए तुम घर जाकर अपने हस्बैंड का ध्यान रखो। हॉस्पिटल में पहुंचकर नोन को नर्स से पता चलता है मिस्टर शराफत की सर्जरी होने वाली है। आना नोन को बताती है उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। नोन उसे पूछता है तुम्हें ये बात कब से पता थी और क्यों नहीं बताई। आना बोलती है अंकल ने मना किया था क्योंकि वो GLS को इस समय ट्रबल में नहीं डालना चाहते थे। नोन बोलता है इस सिचुएशन में भी बस उन्हें GLS कंपनी की ही पड़ी है। आना उसे समझाती है तुम्हें अपने डैड के बारे में इस तरह नहीं कहना चाहिए। दूसरी ओर पैट घर पहुँच कर फ्रैन को नोन समझकर संभालती है। आया था फ्रैन बताता है मुझे याद आ गया, मेरे डैड ने मुझे बताया था उन्हें ब्रेन ट्यूमर है पर मैं भूल गया था। पैट बोलते तुम खुद को ब्लेम मत करो। फ्रैन उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पैट फ्रैन के लिए टी लाती है। फ्रैन को नींदों में वो आना दिखाई दे रही होती है, इसलिए उसे आना कहकर ही बुलाता है। पैट बोलती है ध्यान से देखो मैं आना नहीं हूँ। नोन उसे ध्यान से देखकर बोलता है ओ तो तुम पैट हो और उसे देखकर मुंह फेर लेता है। नेक्स्ट सीन में दोनों साथ में बैठकर टी पी रहे होते हैं, तभी पैट को आना का कॉल आ जाता है। मिस्टर शराफत अब खतरे से बाहर है लेकिन कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहेंगे। पैट ये बात फ्रैन को बता देती है। फ्रैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पैट फ्रैन को बंजो इंस्ट्रूमेंट देती है जो नोन अक्सर बजाया करता है। उसे लगता है शायद फ्रैन ये बजाएगा तो उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी, लेकिन फ्रैन इतना बेकार बजाता है कि पैट उसे छीन कर ही वापस ले जाती है और ये देखकर फ्रैन उस पर हंस रहा होता है। आना नून को नूडल्स लाकर देती है, नून साइड में रख देता है। आना बोलती है तुम अंकल के लिए परेशान हो रहे हो ना, तुम्हें लगता है उन्हें सिर्फ GLS की फिक्र है पर ऐसा नहीं है। जब तुम्हारी मोम मर गई थी दवाई सही समय पर ना भेजने की वजह से इस गिल्ड में ही उन्होंने इस कंपनी के थ्रू बहुत सारे विलेज और माउंटेन्स में फ्री में मेडिसिन डोनेट की है। ये सुनकर नून बोलता है थैंक यू मुझे सच बताने के लिए। घर में फ्रैन नोन के रूम में आ जाता है, यानी अपने ही रूम में। पैट बोलती है पर ये रूम तुम्हारा नहीं है, नोन का रूम है। फ्रैन उसे वहाँ से बाहर भगा देता है। असल में तो वो रूम उसका ही होता है जिसमें नोन रह रहा होता है। फ्रैन अपने लैपटॉप का पासवर्ड याद कर उसे खोल लेता है। पैट बाहर आती है और उसे समझ नहीं आता नोन फ्रैन के रूम में क्या कर रहा है, तो इस बारे में मेड से पूछती है। मेड बोलती है अच्छा है वो वहाँ है, उसे जल्दी सब कुछ याद आ जाएगा। ये बोलने के बाद मेड को एहसास होता है उसे ये नहीं बोलना चाहिए था। पैट पूछती है क्या आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। मेड मना कर वहाँ से चली जाती है। पैट को डाउट होने लगता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। फ्रैन लैपटॉप में आना के साथ कॉलेज टाइम वाले पिक्स देख रहा होता है और उसे याद आता है कॉलेज टाइम में आना एक बुक्स में उसके लिए नोट्स लिखा करती थी। फ्रैन उस बुक को ढूंढ कर देखने लग जाता है और उसे आना के साथ बिताए हुए सारे पल याद आ जाते हैं। फ्रैन को गिटार बजाना बहुत पसंद है और वो रात भर आना से कॉल पर बात किया करता था। इवन आना ने उसे एक कप सेट भी गिफ्ट किया था क्योंकि फ्रैन को टी पीना बहुत ही पसंद है। पैट किचन में आकर मेड से पूछती है बताएं आप क्या छुपा रही हैं। मेड वहाँ से भाग रही होती है, पैट उसे पकड़ लेती है। तभी पैट को नोन का कॉल आता है और पूछता है क्या तुम ऑफिस पहुँच गई। पैट झूठ बोलने लग जाती है मैं रास्ते में हूँ, ट्रैफिक में फंस गई हूँ। नोन मेड की आवाज़ सुनकर समझ जाता है ये मैडम अभी तक घर पर है। पैट बोलती है तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हारे भाई का ध्यान रख रही थी, बस अभी ऑफिस के लिए निकल ही रही हूँ। और उसे बताती है मैंने अकाउंट डिपार्टमेंट की फाइल्स चेक कर ली है, उसमें से कुछ फाइल्स मिसिंग है। नोन के थ्रू ये बात आना को पता चल जाती है। आना बोलती है इसका मतलब अब हम कोई एविडेंस नहीं ढूंढ पाएंगे उनके अगेंस्ट। पैट ऑफिस के लिए तैयार होकर फ्रैन के पास आती है। फ्रैन लैपटॉप पर अपना ईमेल आईडी देख रहा होता है। पैट पूछती है इसे क्यों देख रहे हो। फ्रैन बताता है मुझे लग रहा है इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है पर मुझे इस मेल का पासवर्ड याद नहीं आ रहा। पैट बोलती है मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम्हारे भाई ने मुझे उन मिसिंग फाइल को ढूंढने को कहा है जो अकाउंट डिपार्टमेंट से गायब है। फ्रैन को याद आ जाता है वो आना के साथ अकाउंट डिपार्टमेंट में गया था और उसने वो सारी फाइल अपनी इस मेल पर सेंड कर ली थी। फ्रैन पैट को बताता है जो फाइल तुम ढूंढ रही हो जरूर इसमें है। पैट बोलती है पर तुम इसका पासवर्ड कैसे खोलोगे, ये तो फ्रैन की आईडी है ना और तुम तो नोन हो, इसलिए लैपटॉप उसे छीन कर नोन के पास ले जाने लगती है ताकि उसे पासवर्ड खुलवा सके। कंपनी में बोर्ड मेंबर ने मीटिंग रखी होती है जिसमें सितोन फ्रैन की वो वीडियो क्लिप दिखा देता है जब फ्रैन आना के साथ अकाउंट डिपार्टमेंट में चेकिंग करने के लिए गया था। बोर्ड मेंबर नोन पर चढ़
जाते हैं ये सब क्या है एक्सप्लेन करो। आना और नून को समझ नहीं आता वो क्या जवाब दे, तभी पैट लैपटॉप लेकर वहाँ पहुँच जाती है। सीधे उन पैट को बोलता है क्लियर हो गया, वो पैसों का घपला प्लान नहीं किया था कंपनी में और तुम्हें फंसा दिया। पैट बोलती ऐसा नहीं हो सकता, मुझे प्लान पर पूरा भरोसा है, मेरे पास इस लैपटॉप में एविडेंस है जिसने ये सब किया है, आप लोगों को ये एविडेंस कल तक मिल जाएंगे। तो ये कहकर पैट नून को खींच कर वहाँ से भगा ले जाती है। थाना चोम को बोलता है मुझे बचा लो, अगर वो एविडेंस बोर्ड मेंबर के हाथ लग गए तो मैं तो गया काम से। चोम बोलती है मैं क्या करूँ, खुद ही संभालो, और वहाँ से चली जाती है। चोम सिथोन को आकर बोलती है तुमने उस क्लिप के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। सिथोन बोलता है हर चीज मैं तुम्हें बताकर नहीं करूँगा। चोम को गुस्सा आता है, लगता है अभी से मुझ पर ट्रस्ट नहीं रहा। नून पैट के साथ कार में निकल जाता है। नून पैट से पूछता है इस लैपटॉप में ऐसा कौन सा एविडेंस है। पैट पूछती है मुझे क्या पता। नून बोलता है ओए पागल लड़की, फिर तुमने सबके सामने चिल्लाकर क्यों कहा, कल हम सबको एविडेंस दिखाएंगे। पैट बोलती है पक्का इस मेल में कुछ एविडेंस है, और उसे लैपटॉप खोलने के लिए देती है, तुम्हें इसका पासवर्ड पता होगा। नून घबरा जाता है वो पासवर्ड कैसे खोले। तभी एक आदमी उनके हाथों से लैपटॉप छीनकर चला जाता है और उसके बाद फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। थाना शूटर को कॉल कर बोलता है इन दोनों को मार दो। इससे पहले गोली उन दोनों को लग पाए नून गाड़ी घुमा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी दूर भागने के बाद तभी अचानक से थाना अपनी गाड़ी उसके सामने लेकर आ जाता है। दूसरी ओर कंपनी में सिथोन बोर्ड मेंबर को कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट दिखा देता है जिससे ये प्रूफ हो जाता है प्रैन ने ही कंपनी में पैसों का घपला किया था और वो सारे पैसे प्रैन ने अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर करवाए हैं। थाना गन लेकर कार से बाहर आ जाता है। नून पैट को लेकर कार से निकलता है और वहाँ से भाग जाता है। थाना भी अपने आदमियों के साथ उसके पीछे आता है। नून पैट को एक खाली घर में लेकर छुप जाता है। थाना भी वहाँ पहुँच जाता है। एक छोटा बच्चा थाना को उल्लू बनाकर दूसरी साइड भेज देता है और पीछे से पैट और नून को वहाँ से निकाल देता है। दोनों वहाँ से निकलकर एक ट्रक में चढ़ जाते हैं। इधर ऑफिस में मीटिंग रूम में सिथोन नाना को बोलता है बोर्ड मेंबर को एविडेंस मिले हैं, प्रेन ने 100 मिलियन बात का कंपनी में घोटाला किया है। आना बोलती है ये झूठ है, प्रेन को फंसाया जा रहा है। सिथोन बोलता है हर चोर पकड़ने के बाद यही कहता है, जल्दी से अपने बॉस को बोल दो वापिस आ जाए नहीं तो लीगल एक्शन होगा। थाना मीटिंग रूम से बाहर आती है और नून को कॉल करती है। नून उसे बताता है थाना उन दोनों को मारना चाहता है पर वो बचकर भाग गए हैं। इससे पहले आना उन्हें कुछ बता पाए बैटरी डेड होने की वजह से कॉल कट जाता है। थाना गुस्से में चोम को कॉल करता है और बोलता है वो दोनों बचकर भाग गए, अब तो मैं पक्का जेल जाऊंगा। चोम उसे बताती है प्रैन पर कंपनी में 100 मिलियन बात के घोटाले का इंजाम लगा हुआ है और ये कहकर कॉल कट कर देती है। सिथोन उससे पूछता है तुम मेरे घर क्यों आई हो। चोम पूछती है तुमने मुझे अपने इस प्लान के बारे में क्यों नहीं बताया अगर तुम इसमें फंस गए तो। सिथोन बोलता है अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं सारा ब्लेम थाना पर डाल दूंगा। तभी सिथोन की वाइफ आकर पूछती है कल मैं कौन सी ड्रेस पहनूं। चोम पूछती है कल कौन सा इवेंट है। सिथोन की वाइफ बताती है कल प्रैन को जेल से निकाल कर सिथोन को नया CEO अनाउंस कर दिया जाएगा। ये सुनकर चोम को शॉक लगता है, इतनी बड़ी बात सिथोन ने उसे नहीं बताई। चोम उसकी वाइफ को बोलती है इनमें से कोई भी ड्रेस आप पर सूट नहीं करेगी, इसके लिए ब्लैक बेटर रहेगा। ये कहकर चोम चली जाती है। सिथोन को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। आना अंदर आकर प्रैन को बताती है तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो, तुम्हें सिथोन ने 100 मिलियन बात के घोटाले में फंसा दिया है। ये सुनकर प्रैन के तो होश उड़ जाते हैं। प्रैन बोलता है मेरे खुद के अंकल मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं जबकि वो मेरे डैड के भाई भी है। तभी मेड बोलती है पैसों के लालच में इंसान अपने और परायों में फर्क करना भी भूल जाता है। आना प्रैन को बताती है थाना ने नून पर भी हमला करने की कोशिश की है। प्रैन अपने भाई के लिए डर जाता है और आना के लैपटॉप में अपना मेल आईडी खोलने का ट्राई करता है। दूसरे ओर थाना भी प्रैन के लैपटॉप में सेम मेल आईडी खोलने का ट्राई कर रहा होता है पर उसे भी खुल नहीं पाता। प्रैन कई पासवर्ड लगाता है पर सारे पासवर्ड रोंग आते हैं। प्रैन को गुस्सा आने लग जाता है। आना उसे लैपटॉप छीन लेती है। प्रैन गुस्से में बाहर चला जाता है क्योंकि उसे लग रहा था उसकी वजह से ही सब मुसीबत में पड़े हैं। आना उसे हक कर शांत करती है जो प्रैन को अच्छा लग रहा होता है। चोम घर पहुंचती है। थाना बोलता है कहां थी तुम। चोम बताती है चिंता मत करो तुम जेल नहीं जाओगे क्योंकि कल प्रैन को तो जेल से निकाल दिया जाएगा पर तुम्हें मेरे लिए एक इंसान को मारना होगा। थाना बोलता है तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। रात हो जाती है। नोनो पैट अभी भी ट्रक में होते हैं। दोनों थककर एक दूसरे के शोल्डर पर सर रखकर सो रहे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब पैट उठती है तो हाउस बोट पर होती है।
नून अचानक से उसके सामने आकर पैट को डरा देता है। पैट पूछती है, मैं यहाँ कैसे आई? नून बोलता है, तुम गहरी नींद में सो रही थी, मैं तुम्हें उठाकर लाया हूँ, बड़ी मेहनत की है। पैट नाना को दिखाता है, उसने अपनी ईमेल का पासवर्ड खोल लिया है। फ्रेंड ने अपनी ईमेल का पासवर्ड आना और फ्रेंड के नाम पर रखा था। आना बोलती है, अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फ्रेंड बोलता, नहीं, क्योंकि फाइल पर भी एक पासवर्ड लगा हुआ है जो मुझे याद नहीं है। तभी मेडू ने बुलाकर टीवी पर न्यूज दिखाती है कि दोनों को कंपनी का सीईओ अनाउंस कर दिया गया है और प्रेन और पैट को कंपनी में घोटाला कर भागा हुआ घोषित कर दिया जाता है। ये देखकर आना और प्रेन के तो होश ही उड़ जाते हैं। आना कंपनी पहुंचती है, सितोन उसे बोलता है, मेरा साथ दो तो तुम बच जाओगी। आना बोलती है, मैं कभी भी अपने बॉस के अगेंस्ट नहीं जाऊंगी। अभी आना को नून का कॉल आता है। आना उसे सब कुछ बता देती है जो भी वहाँ चल रहा होता है और बोलती है, जब तक हमें कोई एविडेंस ना मिल जाए तुम दोनों वापस मत आना। नून कॉल कट कर देता है। पैट पूछती है, अब हम वापस जा रहे हैं ना? नून बताता है, जब तक ईमेल में जो एविडेंस है वो खुल नहीं जाते तब तक हम वापस नहीं जा सकते। पैट बोलती है, वो तुम्हारा ईमेल आईडी है तो तुम्हें तो पासवर्ड पता होगा ना, तो खोल क्यों नहीं देते? नून बताता है, ईमेल का पासवर्ड खुल गया है पर उसकी फाइल पर भी एक पासवर्ड लगा हुआ है। आना किसी एक्सपर्ट की हेल्प से उसे खुलवाने की कोशिश कर रही है। पैट बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने पासवर्ड लगाया और तुम्हें ही याद नहीं है, कहीं तुम मुझे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नून बोलता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पैट बोलती है, कसम खाओ अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा और लाइफ टाइम तक कोई तुम्हें प्यार नहीं करेगा। नून कसम खा लेता है, अब तो तुम खुश हो ना? तभी एक लेडी न्यूज़पेपर देखती है और उन दोनों को बोलती है, ये तुम दोनों हो ना? वो दोनों न्यूज़पेपर देखते हैं, न्यूज छपी होती है, जीएलएस कंपनी के सीईओ प्रेन डॉटर इन लॉ पैट कंपनी में फ्रॉड कर भाग गए हैं। न्यूज पढ़ने के बाद दोनों मुंह छुपाकर वहां से भाग जाते हैं और बोट हाउस पर वापस आ जाते हैं। पैट बहुत ज्यादा अपसेट होती है, अगर ये न्यूज मेरी मॉम ने देख ली तो उन पर क्या बीतेगी? नून बोलता, चिंता मत करो, मैं उन्हें बाद में समझा दूंगा। पैट बोलती है, मुझे हमेशा शर्मिंदगी होती थी क्योंकि मेरी मॉम विलेज में रहती थी और जब मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी तो उन्होंने बिना सवाल जवाब किए मेरी हेल्प की। नून बोलता, मुझे तुम्हारी सिचुएशन समझ आ रही है क्योंकि मैंने भी अपने डैड को गलत समझा है, अब मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। इधर कंपनी की लीगल टीम आना से इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और पूछती है, प्रेन कहाँ है? आना बहुत ज्यादा घबराई होती है और बोलती है, मुझे नहीं पता, मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। लीगल टीम के मेंबर आना से उसका फोन ले लेते हैं चेक करने के लिए। थोड़ी देर बाद चोम सिदोन को आकर बताती है, आना के नंबर पर लास्ट कॉल सूरत से आया था। सिदोन बोलता है, हमारे आदमियों को उसके पीछे भेज दो, जरूर प्रेन मई छुपा होगा। सीन में सिथोन थाना को बोलता है, अब से मेडिकल इक्विपमेंट डिपार्टमेंट में जो भी ऑर्डर या प्रोडक्शन होंगे उस पर मेरे साइन करने जरूरी होंगे, जिस पर थाना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है, अब तुम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हो? तो उन गुस्से में उसे चाटा मार देता है तो थाना भी इसकी कॉल पकड़ लेता है। तभी चोम आकर उसे रोकती है। अपने केबिन में आने के बाद चोम थाना को एक चाटा मारती है, मैंने कहा था ना सब्र रखो। थाना बोलता, मुझे अभी ऑर्डर दो, मुझसे और सब्र नहीं होता, मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। दूसरी ओर पैट बोलती है, मुझे नहाना है। नून उसे बाथरूम दिखाता है यानी कि पूरा समुंदर। पैट बोलती है, मैं यहाँ कैसे नहा सकती हूँ, कोई मुझे देख लेगा तो? नून बोलता है, यहाँ जानवरों के अलावा कोई नहीं है, क्या तुम्हें जानवरों से डर लग रहा है? पैट बोलते, नहीं तुमसे। नून बोलता है, मुझसे क्यों डर रही हो? पैट उसे जानकर वेडिंग रिंग दिखाती है, देखो तुम्हारे भाई ने दी है, उसका टेस्ट काफी अच्छा है ना? नून चिढ़ जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर सोचता है, मैं चिढ़ क्यों रहा हूँ? पैट नहाने चाहती है पर समुद्र का पानी इतना ठंडा होता है कि वापस आ जाती है। इसी दौरान पैट की फिंगर से उसकी रिंग निकलकर समुद्र में गिर जाती है। पैट की छलांग लगाने की आवाज सुनकर नून बाहर आता है और वो भी उसमें कूद जाता है और पैट को साइड में लाता है। पैट उसे बताती है, शादी की रिंग गिर गई है। नून उसे निकालने में लग जाता है और बहुत ट्राई करता है पर रिंग नहीं मिलती। ऐसा करते करते शाम हो जाती है, नून बहुत ज्यादा थक जाता है। ये देखकर पैट बोलती है, रहने दो, मुझे अब रिंग नहीं चाहिए। नून बोलता है, पर ये रिंग तुम्हारे प्यार की निशानी है। पैट बोलती है, प्यार की निशानी इसका मतलब ये नहीं कि इसके चक्कर में किसी को मरने दूंगी। नून बोलता है, तो तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। पैट बोलती है, कोई कुत्ता या बिल्ली होता तो मैं उसे भी मरने नहीं देती। पैट का ध्यान नून की चोट पर जाता है। नेक्स्ट सीन में चोम सिथोन को बोलती है, मुझे लगता है थाना तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा, इसलिए मेरे पास एक प्लान है उसे रास्ते से हटाने का। गाड़ी में चलो बैठकर बताती हूँ। चोम उसके साथ गाड़ी में आ जाता है और पूछता है, बताओ क्या प्लान है? चोम बताती है, तुम्हें ऐसी जगह भेजने का जहाँ तुम्हें कोई ढूंढ ना पाए। सिथोन डर जाता है और आगे वाले सीट पर थाना बैठा होता है, ये देख कर तो उसकी सिक्योरिटी गुम हो जाती है। चोम भी अपनी गन निकाल लेती है और बोलती है, ये कपड़ा अपने मुँह पर ढक लो, अब तुम्हें जन्नत की सैर कराएंगे। वहीं दूसरी ओर पैट नून की चोट पर बैंडिश लगा रही होती है। दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं।
पेट को एहसास होता है ये गलत है, इसलिए बाहर आती है। नून भी उसके पास आकर बैठ जाता है। पेट बोलती है अच्छा वेदर है, आसमान भी तारों से भरा हुआ है, बस डॉक्टर नून यहाँ नहीं है। पर बताते हैं हम दोनों ऐसे साथ बैठकर आसमान में तारे देखा करते थे। नून पूछता अपनी पर्सनल बातें मुझे क्यों बता रही हो। पैट बोलती है क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर नून के साथ बहुत खुश थी। माना कि तुम दोनों भाई सेम दिखते हो, पर तुम हो और डॉक्टर नून अलग है। नून बोलता है तो तुम ये बताना चाहती हो तुम्हारा ऑलरेडी हस्बैंड है। पैट बोलती है हाँ। नून उसे बोलता है मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, क्या तुम भी मुझे किस करना चाहती हो। सुनकर पैट गुस्सा होकर उठकर चली जाती। नून उसे आकर बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है नून तुम्हारे साथ नहीं है, तुम ध्यान से देखो इस हवा में नून तुम्हें महसूस होगा। पैट बोलते तुम कहना चाहते हो ये हवा मेरा हस्बैंड है, पर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे नून चाहिए। नून बोलता वो हमेशा तुम्हारे आसपास ही है। ये कहकर नून उसे किस करने वाला होता है। पैट को ये गलत लग रहा होता है इसलिए अंदर भाग जाती है और खुद को समझाती है तुम ऑलरेडी मैरिड हो, डॉक्टर नॉन तुम्हारे हस्बैंड है। नॉन को भी खुद पर गुस्सा आता है पैट को हर्ट करने के लिए। आकर भी मैं तुम्हें नहीं बता सकता मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ। थाना सीतोन की खूब धुलाई कर रहा होता है, इवन उसे जान से ही मारने वाला होता है। तभी चोम आकर उसे रोक लेती है। थाना और चोम मिलकर सीतोन को जलाते हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। सीतोन बोलता है तो तुम दोनों का अफेयर चल रहा था। चोम बोलती है वो तुम हो जो किसी के साथ लॉयल नहीं रहे, ना अपनी वाइफ के साथ, ना अपने भाई के साथ, ना उस कंपनी के साथ जिसमें तुम काम कर रहे थे, इवन मेरे साथ भी नहीं। ये बोलकर चोम थाना को बोलती है इसे निपटा दो। सीतोन बताता है मैंने पहले ही अपनी वाइफ को मैसेज कर दिया था मैं चोम के साथ जा रहा हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम ही फंसोगी। थाना उसकी पॉकेट से फोन निकालकर चेक करता है, सच में सीतोन ने अपनी वाइफ को मैसेज भेजा होता है। सीतोन बोलता है मेरी वाइफ को वो सीक्रेट सेफ भी पता है जिसमें मैंने तुम दोनों के कारनामों का सारा चिट्ठा रखा है, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी वाइफ उसे सही जगह पहुँचा देगी और तुम दोनों भी बच नहीं पाओगे। ये सुनकर दोनों बाहर आ जाते हैं। थाना बोलता है पहले मैं इसकी वाइफ को ठिकाने लगा कर आता हूँ। चोम उसे रोक कर बोलती है पहले हमें फ्रेंड को ढूंढना होगा। पैर के कपड़े धोकर सुखा रहा होता है। पैट उसे डांटती है तुम ये क्या कर रहे हो। नून बोलता है शर्म क्यों आ रही है, कपड़े ही तो धो रहा हूँ। पैट बोलती है हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे सामान को। नून उसे छेड़ने लग जाता है। चोम के आदमी सूरत में पहुंच जाते हैं और एक लेडी से पैट और नून की फोटो दिखाकर पूछते हैं क्या आपको पता है ये दोनों कहाँ हैं। वो लेडी हाँ बोलती है और उन्हें उस जगह ले जाने लगती है जिस बोट हाउस पर नून और पैट रह रहे होते हैं, वो इस लेडी की ही होती है। पर जब वो आदमी उस बोट हाउस पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कोई नहीं मिलता क्योंकि उस लेडी ने पहले ही अपने बेटे को वहां भेज दिया था उन्हें वहां से निकालने के लिए, यानी वो लेडी उन्हें बेवकूफ बनाकर चली जाती है। दूसरे ओर प्रेम फाइल का पासवर्ड खोलने की कोशिश करता है पर उसे याद नहीं आता इसलिए इरिटेट होने लगता है। आना उसे शांत कराने के लिए एक जगह पर लेकर आती है। उस जगह को देख कर प्रेम को याद आता है वो कॉलेज टाइम में आना को एक दिन यहाँ लाया था। उस दिन प्रेम ने आना को फूल देकर बोला था यू आर माई सनशाइन। आना बोलती और कुछ मत कहना, अगर तुमने और कुछ कहा तो सब कुछ खराब हो जाएगा, तुम मेरे सिर्फ वो दोस्त हो जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ। और इस तरह उस दिन प्रेम का दिल टूट जाता है। असल में प्रेम को याद आ जाता है उसने फाइल का पासवर्ड यू आर माई सनशाइन रखा था। आना खुश हो जाती है, दोनों वहाँ से घर जाने लगते हैं। तभी चोम के आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं और प्रेम की बात चोम से कराते हैं जिसके बाद वो दोनों उन आदमियों के साथ चोम के पास आ जाते हैं। प्रेम उससे पूछता है मेरे डैड कहाँ है। चोम बताती है वो GLS के हॉस्पिटल में है, अभी तक तो ठीक है पर कब तक रहेंगे कुछ कह नहीं सकते। चोम प्रेम को बोलते अगर तुम चाहते हो तुम्हारे डैड ठीक रहे तो अपने भाई प्रेम को बोलो वापस आकर अपनी मिस्टेक एडमिट कर ले और इस कंपनी की CEO मैं बन जाऊंगी। आना बोलती है हम ऐसा नहीं करेंगे। थाना बोलता है लगता है मुझे हॉस्पिटल में कॉल करना होगा और कॉल करने लग जाता है। ये देखकर प्रेम डर जाता है इसलिए कुछ समय मांगता है। बाहर आकर आना प्रेम को समझाती है ऐसा कुछ मत करना, वो तुम्हारे डैड को कुछ नहीं करेंगे, बस खोखली धमकियां दे रहे हैं। प्रेम बोलता है मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। इधर नून और पैट बैंकॉक वापस आ रहे होते हैं। पैट पूछती है अभी तो कोई एविडेंस नहीं मिले तो हम वापस क्यों जा रहे हैं। नून बोलता है हर जगह उन लोगों के आदमी फैले हुए हैं, अब छुपने का कोई फायदा नहीं, फेस टू फेस लड़ने का वक्त आ गया है। पैट बोलती है एटलीस्ट आना को कॉल कर पूछ लो वहाँ की सिचुएशन कैसी है। नून आगे जाकर कार रोकता है और उसे जबरदस्ती कार से निकाल कर कुछ पैसे देता है, जाके ट्रेन पकड़ो और अपने गांव निकल जाओ। पैट बोलती है मैं नहीं जाऊंगी। नून बोलता है तुम्हें मेरे फैमिली मैटर में और पढ़ने की जरूरत नहीं है। पैट बोलती है मैं भी इस फैमिली का ही हिस्सा हूँ। नून उससे लड़ने लग जाता है। पैट बोलती है तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो इसलिए मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। ये सुनकर नून की बोलती बंद हो जाती है और उसे पैट को साथ लाना पड़ता है। नून बोलता है अगर तुम्हें कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार मुझे मत ठहराना। पैट बोलती है ये छोड़ो मेरे पास एक आइडिया है,
क्यों ना हम वापस जाकर ऐसे प्रिटेंड करें हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, और मैं थाना की साइड होकर सीक्रेटली उनके अगेंस्ट सारे सबूत इकट्ठा कर लूंगी। नून बोलता अपने बकवास आईडियो का पिटारा बंद कर लो। इधर प्रेम पासवर्ड डालकर फाइल खोलता है। उन फाइल से उन दोनों को पता चलता है सितोन लास्ट 5 ईयर से कंपनी के फंड को धीरे धीरे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा था। आना बोलती है इसका मतलब हम उस समय ग्रेजुएट भी नहीं हुए थे, ये सिलसिला तब से चला आ रहा है। प्रेम बोलता है पर ये सबूत काफी नहीं है, सितोन को सजा दिलाने के लिए हमें और भी सबूत चाहिए होंगे। और प्रेम बोलता है अब हमारे पास डैड को सेव करने का एक ही तरीका है, हमें शोम की बात को एक्सेप्ट करना होगा। मैं जाकर बोल देता हूँ मैं ही प्रेन हूँ और सारा इंजाम अपने ऊपर ले लेता हूँ, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आना उसे समझाती है ये मत करना, ऐसा करके तुम कुछ भी सेव नहीं कर पाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे बाय बाय।